राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ अपने पिता के पद चिन्हों पर चल पड़े हैं। समित ने 2 महीने के अंदर ही 2 ताबड़तोड़ दोहरे शतक जड़ दिए। हाल ही में उन्होंने बेंगलुरु में अपने स्कूल माल्या आदिति इंटरनेशनल यानी कि MAI का प्रतिनिधित्व करते हुए अंडर 14 क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ा। BTR शील्ड अंडर 14 ग्रुप 1 डिवीजन 2 टूर्नामेंट के दौरान समित द्रविड़ ने सिर्फ 144 गेंदों में नाबाद 211 रनों की जोरदार पारी खेली, जिसमें उनके 24 चौके के अलावा एक छक्का भी शामिल है। समित द्रविड़ के दोहरे शतक की बदौलत उनकी टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 386 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में BGS नेशनल पब्लिक स्कूल की टीम 254 पर 3 ही बना पाई और MAI को 132 रनों से जीत मिली। समित ने इससे पहले 20 दिसंबर 2019 को अंडर 14 इंटर जोनल टूर्नामेंट में वाइस प्रेसिडेंट 11 की ओर से खेलते हुए दारवाड़ जोन के खिलाफ 201 रनों की सुर्खियां बटोरी थी। समित द्रविड़ पिछले कुछ साल से अच्छे रन बना रहे हैं और पिछले साल के अंत में अपने हरफन मौला प्रदर्शन से तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने इंटर जोनल टूर्नामेंट में 3 विकेट के साथ 2 पारियों में कुल 295 रन बनाए। इससे पहले समित 2016 में भी सुर्खियों में रहे जब उन्होंने बेंगलुरु यूनाइटेड क्रिकेट क्लब की ओर से खेलते हुए फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल के खिलाफ 125 रन बनाए। समित ने प्रत्युष जी के साथ मिलकर 4th विकेट के लिए 213 रन जोड़े थे। उनकी टीम ने 30 ओवरों में खेल में लोयोला स्कूल के मैदान पर 246 रनों की जीत दर्ज की थी। ऐसा लग रहा है कि समित अपने पिता के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं, लेकिन समित के प्रदर्शन में धोनी की झलक भी दिखती है। महेंद्र सिंह धोनी भी इस उम्र में शानदार इसी तरीके का प्रदर्शन किया करते थे। अब एक बात तो तय है कि द्रविड़ के बेटे में द ग्रेट MSD की झलक भी दिख रही है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।